रतिया के कलौठा गांव में सुमित्रा देवी की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एसएचओ रमेश कुमार के ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मृतका के परिजनों ने बताया कि 10 दिन के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बता दें कि 5 जनवरी को सुमित्रा देवी की मौत होने पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसको वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उसके मुताबिक हमने यहाँ पे अपने उनका पोस्टमार्टम करवाया और 306 जो है धारा आईपीसी धारा लगाई गई है और हमने उसकी गिरफ्तारी जो थी वो लेट हो रही थी, जिस वजह से हमारी जो जनता है वो रोष में होगी कि वो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो जिस वजह से हमने मतलब ये बात की थी कि ऐलान किया था कि घेराव करेंगे हम, तो आज एसएसओ से मिलना हुआ और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो आरएफएसएल जो हिसार की रिपोर्ट है, अग्रोहा की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आने के बाद जो आगामी कार्रवाई होगी वो करेंगे और जिसका आश्वासन हमें दिया गया। हम जी हमारे गांव में 4 तारीख को लेडीज को परेशान करेगा, जो लेडीज को घर बुलाया गया, हम वहीं थे मौके पर, और मौके पर उसने वहां दम तोड़ दिया। अरे हमारे को आज गिरफ्तार करना था थाने का हमने, अरे पुलिस ने हमारे को आश्वासन दे दिया भी हमने 306 धारा लगा रखी है। 306 धारा का मकसद है हमारे को यही बताया साहब ने कि भी ये कत्ल का मामला है। 300 जैसे 2 होती है, 4 होती है, 6 एक ही चीज़ है। अरे हमारे को आश्वासन दिया भी हमने बहुत जल्दी हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। अरे 306 धारा बताइए। दिनांक 5/1/2022 को सुमित्रा बाई का पोस्टमार्टम हुआ था, उसको बेहोशी की हालत में जो है ना लिया गया था और उसका पोस्टमार्टम करा दिया। उसके बाद में विसरा ले रखा है, रिजल्ट उसका पेंडिंग है और पुलिस कार्रवाई करी। बेहोशी की हालत में ही उसका सर पोस्टमार्टम हो गया क्या? ऐसा था कि आपस में गांव में पंचायत हुई थी उनकी, जो मृतका है, मृतका के खिलाफ दरखास्त दी थी दूसरे पक्ष ने और उस पक्ष की आपस में घर में ही गांव कलौठा में पंचायत हुई थी। अब उसमें पंचायत में फैसला होने उपरांत ही मतलब बेहोश होगी वो, वहाँ से हॉस्पिटल।